मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रामू सर। टुडे आई विल डिस्कस लेक्चर नंबर 8 ऑफ क्लास 12 डेरिवेटिव। सो बेटा, इससे पहले हमने कुछ प्रॉब्लम्स आपको कराई थी डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव से मिलती हुई, और इसी से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आप देख लीजिए। लेक्चर नंबर 8 है, एक्सरसाइज 5.7 से कुछ क्वेश्चन हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई इक्वल्स टू कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, और बेटा ये बताना है आपको, यू हैव टू फाइंड आउट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड आउट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। केवल वाई की टर्म्स में बेटे आपको इसको डेरिवेटिव निकालता हुआ डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको वाई के टर्म्स में ले लेते हैं। तो यानी कि आप यहां से, इट इज गिवन दैट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, और इसके लिए आपको एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इट बिकम्स कॉस वाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स का वन होगा बेटे, एंड कॉस वाई माइनस साइन वाई, एंड साइन वाई का एक बार और करेंगे, इट बिकम्स डी वाई ओवर डी एक्स। तो यानी कि 1 अपॉन माइनस साइन वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। यू कैन राइट हियर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसाइन ऑफ वाई। राइट, तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया बेटा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कोसाइन वाई। अब यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इस टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो बेटे ये हो जाएगा हमारा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक वाई। कोसेक वाई के डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, माइनस कोसेक वाई कॉट वाई एंड डी वाई ओवर डी एक्स, जो कि दे रखा है। यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ डी टू डी वाई ओवर डी एक्स इन दिस रिलेशन। नाउ माइनस माइनस गेट प्लस कोसेक वाई कॉट वाई एंड अगेन माइनस कोसेक वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स। तो बेटे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंपली, तो कोसेक वाई इंटू कोसेक वाई माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ वाई कॉट वाई। तो दिस इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ कॉज इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। राइट, नोट डाउन इट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बेटा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, क्योंकि इससे इन प्रॉब्लम से क्वेश्चन एग्जाम में मिलता रहा है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। इसके क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेश्चन भी आप इसमें ड्रॉप नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद ये इसमें डेरिवेटिव लगभग फिनिश हो जाएगा। वन मोर क्वेश्चन, 14 क्वेश्चंस, इट इज गिवन y इक्वल्स टू a e टू द पावर एम एक्स प्लस बी e टू द पावर एन एक्स, सो दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, we have to prove that d2 y over dx square minus m plus n dy over dx plus mn f y is equals to 0. This is also important question, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है बेटा,
तो इसको जब आप करेंगे तो ये टर्म्स को हमें डेवलप करना होगा यहाँ से कि डी टू वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे और ये सारे वैल्यूज यहाँ पुटअप करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनली सोल्यूशन तो यही रहेगा। तो यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, तो यहाँ से आइए जो आपको गिवन है यहाँ लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स इन सिंगल टाइम यू कैन गेट हेयर डी वाई ओवर डी एक्स ए टू द पावर एम एक्स इन टू एम बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स इज एम एंड सिमिलरली यू हैव टू फाइंड ई टू द पावर एन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एन एक्स अगेन बिकम्स एन एंड यू कैन राइट हेयर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वन मोर टाइम डिफ्रेंशिएट यू विल गेट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ ए टू ए टू द पावर एम एक्स तो यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ ओनली ई टू द पावर एम एक्स इट बिकम्स ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ एन एक्स राइट। तो बताइए ये आपका डबल डेरिवेटिव इस तरीके से मिल गया। यू हैव टू यूज द वैल्यू तो यू कैन टेक एल एच एस ऑफ योर क्वेश्चन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स एम एन ऑफ वाई। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आप ऑल दीज वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए तो यू यूजिंग द वैल्यू ऑफ डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर यू गेट हेयर ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ऑफ एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन एंड ए एम ई टू द पावर एम एक्स बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस एम एन इंटू वाई ए टू द पावर एम एक्स बी इंटू द पावर एन एक्स सच टाइप। इतने इस आप टोटल फंक्शन को बेटे अब हम इसको थोड़ा सा एक बार और इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक लाइन और बनेगी थोड़ी सी बड़ी। इसके बाद ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटे तो इट बिकम्स ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स प्लस ए एम एन ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स। ये बड़े ये लाइन है इस लाइन को देख लीजिए ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स एम स्क्वायर ई टू द पावर बी एन स्क्वायर और बी एन स्क्वायर ई टू द पावर एन एक्स बी एम एन टू द पावर एन एक्स बी एम एन टू द पावर एन एक्स एम एन बी टू टू द पावर ऑल टर्म्स गेट कैंसल यू हैव टू फाइंड आउट फाइनल सोल्यूशन जीरो। तो हेंस प्रूव्ड ये यहाँ से इसको आप आंसर मैच कर दीजिए तो ये टर्म रहेगी आपकी फाइनल। नोट डाउन इट बेटे क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं इनमें कैलकुलेशन बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसको एडजस्ट है ये सिंपल। आप यहाँ से जब आप डी टू बाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट कर लिया है तो ये वैल्यूज को आप यहाँ अपने स्तर पर लगा के और कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट है कोई खास ऐसा है नहीं। वन मोर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 60 बाकी इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस और एग्जांपल्स एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व इन योर होम असाइनमेंट। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये ई टू द पावर वाई एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू वन देन प्रूव दैट
यू हैव टू प्रूव दैट द डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर। लगातार कई बार पूछा गया है तो इसको बेटे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। नाउ यहाँ से आते हैं, यहाँ से टू द पावर वाई स्क्वायर निकालेंगे, इट बिकम्स वन टू द पावर एक्स प्लस वन या वन प्लस एक्स, राइट। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो बेटे आपने लॉ प्रॉपर्टी, एक लॉ प्रॉपर्टी होती है कि कहीं पर अगर बेटे लॉग एक्स इक्वल्स टू वाई दे रखा है, ये लॉ प्रॉपर्टी है, तो एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई हो जाता है। याद कर लीजिए इसी क्रम में अगर आप देखेंगे बेटा ये आपका कि अगर कहीं ई टू द पावर वाई गिवन है तो आप ई टू द वाई इज इक्वल टू एक्स है तो इसको आप लॉग एक्स लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल से आप क्या इसको आप कर देंगे ई टू द पावर वाई, तो वाई इज इक्वल्स टू लॉग वन अपॉन एक्स प्लस वन। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो y इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस वन टू द पावर माइनस वन। दिस इज ऑल्सो द लॉग प्रॉपर्टी कि लॉग m टू द पावर n इक्वल्स टू n लॉग m। तो y इज इक्वल्स टू माइनस लॉग x प्लस वन। नॉट डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जब बेटे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू कैन गेट हियर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और अगेन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन, इट बिकम्स ओनली वन, दिस इज द वैल्यू। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट हियर तो बेटे आपको डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब यहां से फाइंड आउट करेंगे तो ये माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो इट बिकम्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से। और बेटे आपके पास इसको इक्वेशन नंबर वन कह दीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन दे रखा है, और डी वाई ओवर डी एक्स का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो इट बिकम्स ऑल्सो होल स्क्वायर, सेकंड कर दीजिए। और फ्रॉम वन एंड टू इक्वेशन को रिलेट करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर प्रूव्ड। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, नोट डाउन इट बेटा, इसको देख लीजिए कई बार से। तो इसको रफ कर देते हैं बेटा और इसका एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें अच्छे अच्छे जो इतने इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे जो होने लायक थे वो मैं करा चुका हूँ लगभग, और एक आध क्वेश्चन इसका देख लीजिए। वन मोर क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट लास्ट एंड 17 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.7 वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर देन सो दैट यू हैव टू सो दैट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर या रिटन एज सच दैट बाई टू प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वन
इज इक्वल टू टू। बेटे बाई वन बाई टू गिवन है तो इसे देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटे इसका वाई टू मीन्स ये डिनोट करता है डबल डेरिवेटिव के लिए, या तो आप डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिख लें या वाई टू लिख लें या एफ डबल डैश लिख लें, ये एक ही बात होती है। बाई वन का मतलब होता है सिंगल टाइम डेरिवेटिव। अब इसके लिए आपको जब करेंगे तो अपने पास तो वही तरीका है, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू बेटा टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ध्यान से देख लीजिएगा। तो क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो यू कैन गेट हियर, इसको डी वाई ओवर डी एक्स लिख दूंगा या बाई वन भी लिख देते हैं। क्या होगा, इसको t मानेंगे t स्क्वायर तो टू टाइम्स टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का बेटे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है बेटा। तो इसके लिए अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई यू कैन सेंड योर राइट हैंड साइड, तो यू कैन गेट हेयर वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू टू टेन इनवर्स एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटे हमें क्या करना है, अब ये डबल डेरिवेटिव के लिए वर्क करेगा क्योंकि बेटे हमारे पास दो फंक्शन हो गए, वन प्लस एक्स स्क्वायर सिंगल फंक्शन एंड अदर फंक्शन इज डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब डबल डेरिवेटिव के लिए अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स एज इट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर बिकम्स टू एक्स टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन फिर से सेम प्रॉपर्टी आ गई, फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड सेंड कर देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई थ्रू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यू कैन गेट हेयर। अब बट इसके लिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टू। यू कैन राइट हेयर डी होल स्क्वायर डी टू वाई ओवर इन प्लेस ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स वाई टू प्लस टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इज बाई वन इज इक्वल टू टू। दिस इज फाइनल आंसर हेयर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट वाई टू एंड डी वाई ओवर डी एक्स रिप्रेजेंट वाई वन। नोट डाउन इट फास्ट बेटा। तो ये आपका इस हिसाब से ई एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद हम इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसका एक लेक्चर और बचा है। थैंक यू।